सेक्स समस्या के कारण होने वाला तलाक क्या हम टाल सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। 31 साल का युवक मेरे पास में आया सलाह लेने के लिए। अच्छा पढ़ा लिखा है, शादी 1 साल पहले हुई और उसको फाइमोसिस था। फाइमोसिस का मतलब ऐसा होता है कि लिंग के ऊपर की जो चमड़ी रहती है वो चमड़ी सामने तक पूरे लिंग को कवर करती है टाइटली, और वो पीछे होती नहीं है। इतनी टाइट रहती कि वो पीछे होना मुश्किल है, पीछे होती नहीं। यूजुअली क्या होता है कि वो यूजुअली नॉर्मल इसमें जब इरेक्शन आता है तो स्किन पीछे हो जाती है, इसकी पीछे होती नहीं है। और फिर जब वो सेक्स करने जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। एक दो बार ऐसा हुआ कि वो फोर्सफुली उसने सेक्स करने की कोशिश किया और वो पीछे अटक गई और उसको बहुत तकलीफ हुई। फिर उसने कुछ मलम विलम लगा के, उसको तेल लगा के उसको उसने सामने खींच लिया, तो उसका उसको एक डर बैठ गया कि ऐसी कुछ कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा। पढ़ा लिखा है मगर इसमें अनपढ़ है, सेक्स में ये एरिया में पूरा अनपढ़, मतलब हार्डली उनका 1 साल में हार्डली संभोग 1 या 2 बार हुआ होगा। अब उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, वो अपने सहेलियों के साथ में चर्चा करती है और फिर उसको ये बोलते रहते कि क्या अपना साल 1 साल हुआ और अपना अभी सेक्स भी बराबर 1 बार भी नहीं हुआ है, हार्डली 1 बार हुआ वो भी बराबर नहीं हुआ, तो ये आप कुछ तो भी करो। तो ये उसने कुछ तो भी 1 साल से वो टाइम पास जैसा कर रहा है कि नहीं नहीं अभी मुझे तकलीफ हो रही है, अभी मुझे बाद में करेंगे, देखेंगे, अभी तो वो बहुत दर्द हो रहा है, वो चमड़ी धीरे धीरे पीछे करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो धीरे धीरे रोज अपना कोशिश कर रहा है मगर वो चमड़ी कुछ पीछे हो नहीं रही है। अब पत्नी कितने दिन यहाँ रुकेंगी, 1 साल हो गया। जब वो हरदम अपने सहेलियों को पूछती है, उनके साथ में कंपेयर करती है, जब उनकी शादी होती है तो वो कैसा एंजॉय कर रहे, इसको कुछ भी नहीं है एंजॉयमेंट, तो फिर वो दिन ब दिन चिड़चिड़ापन, दोनों में अनबन, खटके उड़ना और झगड़े छोटे छोटे बात के ऊपर, क्योंकि जब बेड के ऊपर जब दोनों सुखी रहते नहीं है पति पत्नी तो दिन भर में वो कहीं ना कहीं रोज दिखाई देता है। और दिन भर के झगड़े जो है वो यदि बेड के ऊपर आपके संबंध अच्छे रहे तो वहाँ वो डिजॉल्व हो जाते हैं सब झगड़े, तो अभी वहीं ठीक नहीं है बेड के ऊपर तो दिन भर झगड़े होने ही हैं। इसमें उसको भी ये सोच रहा कि भाई इतना ये झगड़ा करती है तो इससे अच्छा भी तलाक ले लो। उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई देखो क्या करना है। मैंने देखो आपने फ़ोन किया इसका मतलब ही है कि आपको तलाक लेना नहीं, नहीं तो आप तलाक लेके मतलब डिवोर्स लेके आप तो फ्री हो जाते थे, मगर आपको लेना नहीं है। नहीं बोले मुझे लगता है वैसी बहुत ही सुंदर लड़की है, अच्छी भी है, मगर वो झंझट झगड़ा करती है। मतलब भैया आप उसको सेक्स का सुख नहीं दे रहे तो वो क्या करेगी इसके अलावा, और झगड़े करेंगी कुछ ना कुछ निकालेंगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको फाइमोसिस है, फोरस्किन जो है मतलब वो सामने आ जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, तो उसका सुनता कर लो, सर्कमसीजन कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसमें क्या डरने की बात है। नहीं नहीं बोले मैं कैसा ऑपरेशन करूँ, कुछ भी नहीं है तो मैं ऑपरेशन, मतलब आपकी ज़िंदगी दांव पे है, आपका सेक्स लाइफ दांव पे, आपका मैरिज दांव पे लगा हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन है, ज़्यादा समय लगता नहीं है, 5-6 दिन तकलीफ होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और एक बार वो आपने जैसा उसको खतना बोलते हैं, सुनता बोलते हैं, सर्कमसीजन बोलते हैं, जो भी वो आपने एक बार कर लिया तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इतना डरने की क्या बात है। तो नहीं बोले मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अभी डरते रहो और फिर यहाँ आप डिवोर्स लेंगे, अभी आप सोच रहे कि डिवोर्स लेना चाहिए और यहाँ आप डिवोर्स लेंगे, क्या आपका दूसरा विवाह आप करेंगे तो वहाँ खुश हो जाओगे, वो टिकेगा आपका विवाह, वो भी नहीं टिकेगा, क्योंकि जब सेक्स लाइफ ही नहीं है तो कैसा होगा। तो आपको तो इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इतनी एंग्जाइटी वो योग को थी, मतलब छोटा सा ऑपरेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कि वो उसका मैरिज मतलब डिवोर्स लेने को तैयार है और वो ऑपरेशन करने को तैयार नहीं है। तो उसको काफ़ी मैंने बिठाया, काउंसलिंग किया, उसको तैयार किया, मतलब अभी मैं खड़ा रहता हूँ, मैं आता हूँ, आप जहाँ भी ऑपरेशन करेंगे वो मैं डॉक्टर के साथ में संपर्क करूँगा, आपको आपको देखूँगा कि आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, 5 दिन कुछ भी तकलीफ नहीं होगी आपको, और आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो जाएगा। पहले आप ये काम करो कि वो अभी मायके गई हुई है, क्योंकि वो झगड़ा करके मायके चली गई अपने पियर, उसको फ़ोन करो, बोलना ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं भी इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ, तुम आ जाओ और सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट लो, वो तैयार है। 1 साल उसने शादी के बाद में एक बार भी ठीक संभोग नहीं हुआ और आपके साथ में बिताए हुए तो वो ऐसा कोई जाने में उत्सुक नहीं है, वो झगड़ालू नहीं है, मजबूरी में ऐसा हो रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस मिलो और आपका कई बच्चा हो जाएगा। तो उसको वो समझ में आ गया, पट गया हो, बोले ठीक है मैं भी ऐसा करता हूँ और आपकी मैं पूरी सपोर्ट लूँगा। और उसने फिर कुछ दिन बाद में वो वाइफ को बुला के सर्कमसीजन करवाया, उनका सेक्स लाइफ भी अच्छा हो गया।
मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो छोटी बात रहती है मगर पूरा मैरिज सेक्स लाइफ पूरा मैरिज पूरा लाइफ दांव पे लग जाता है। और लोग छोटी बात पढ़े लिखे लोग हैं मगर सेक्स में अनपढ़ है, ये सेक्स लाइफ जो है सेक्स एजुकेशन इसमें अनपढ़ है, छोटी बात रहती है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो ताकि ऐसे बहुत सारे विवाह होंगे कि जो उनका सेक्स नहीं हो रहा करके वो डिवोर्स ले रहे, और सेक्स अच्छा हो सकता है, मतलब लैंगिक समस्या है वो जो है वो कंसल्टेशन करके अच्छी हो सकती है। आप हमें कॉल करो, हमारे नंबर्स नीचे दिए हुए, कभी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन लो, सेक्स काउंसलिंग कर लो, और हमारी काफ़ी बड़ी टीम है केकर हॉस्पिटल की, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे टीम से आप कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं और आप आपका जीवन अच्छा जी सकते हैं। हमारा ऐप है डॉक्टर केकर ऑनलाइन, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर वो ऐप डाउनलोड करो, वहाँ फ्री चैटिंग है, वहाँ ऑनलाइन कोर्सेस है वो ले लो, और आप कोई भी प्रॉब्लम रहा सेक्स सॉल्यूशंस या कोई भी आपको चाहिए तो उसके लिए हम आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।